ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो आपका यहाँ पर आंसर है जस्टिस एन बी रमना, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? विच स्टेट करंटली अनाउंस सिंधुदुर्ग अम्बोली एरिया नेम्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो यह है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 31 मार्च 2021 को पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली के एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली प्रजातियों की खोज की गई है, जो कि आपका गोवा बॉर्डर पे है और आपका हिल एरिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फॉम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली फॉम मिन चिन हैज़ बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बने हैं वियतनाम के, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर वियतनाम है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में व्हाट्सएप विद मी पुस्तक किसने लिखी है? तो व्हाट्सएप विद मी पुस्तक लिखी गई है टिस्का चोपड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक ने किस राज्य में $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? इन विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड ए $32 मिलियन प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट दिया गया है मिजोरम में। विश्व बैंक ने मिजोरम में $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। किसके लिए? स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कल आपका था 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना है? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम सरकार के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जो ऑरोस स्कॉलरशिप प्रोग्राम सर अरविंदो सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्रीज वुमेन टीम हैज़ मेड ए रिकॉर्ड ऑफ 22 कॉन्सिक्यूटिव विन इन ओडीआईज? तो आपका ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम ने 22 वनडे में लगातार कंटिन्यू विन किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 8 मिलियन से अधिक COVID-19 टीके लगाने वाला पहला राज्य बना है? रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन विच कंट्री टू अप्लाई मोर देन 8 मिलियन COVID-19 वैक्सीन? तो भारत में पहला राज्य कौन सा बना है जिसने 8 मिलियन COVID-19 टीके लगाए हैं? तो भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रामकरण वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो रामकरण वर्मा को गैबॉन कंट्री में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गैबॉन कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है छोटा सा, जहां पर हिंदी भाषी, फ्रेंच, अरबी, इंग्लिश का यूज़ होता है वहां की पॉपुलेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही किसके द्वारा लिखी पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की पुस्तक का किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डेली करंट अफेयर्स के आपके, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।